भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांचक सेमीफाइनल में भारत को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। बड़े मैच में हार के बाद करोड़ों भारतीय दर्शकों का दिल टूट गया है। हालांकि ये हार बॉक्स ऑफिस पर सुपर 30 के मेकर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इस रविवार को ही होना है। ज्यादातर भारतीय फैंस मानकर चल रहे थे कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा देगी। सेमीफाइनल्स तक वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग भी रहा था। वहीं इसी शुक्रवार को विकास बहल के निर्देशन में ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 रिलीज हो रही है। माना जा रहा है कि भारत के विश्व कप फाइनल में पहुंचने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपर 30 के वीकेंड बिजनेस को नुकसान पहुंचता। बताने की जरूरत नहीं है कि शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्में संडे के दिन बम्पर कमाई करती हैं। सुपर 30 को लेकर शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स में ये अनुमान भी लगाया गया है कि फिल्म ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को 12 से 14 करोड़ रुपए का कारोबार करने में कामयाब होगी। जाहिर सी बात है कि सुपर 30 वीकेंड में 50 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर सकती है। हालांकि भारत के फाइनल्स में होने की वजह से सुपर 30 को रविवार के दिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। ज्यादातर लोग क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करते। भारत में क्रिकेट के खुमार को लेकर इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के भरकस प्रयास के बावजूद भारतीय टीम हार गई। इसके साथ ही सुपर 30 के करीब 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में संडे मल्टीप्लेक्सेस सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के मालिकों ने विश्व कप से भारत के बाहर होने के बाद राहत की सांसें ली हैं, क्योंकि अब सुपर 30 से जितनी बॉक्स ऑफिस कमाई के कयास लगाए जा रहे थे उस पर ऋतिक की फिल्म खरी उतर सकती है। आपको बता दें कि कल रात सुपर 30 की स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं। ऋतिक के काम की भी काफी सराहना हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म सभी की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। हालांकि भारत का विश्व कप से बाहर हो जाना समूचे देश के लिए निराशाजनक है। इसमें सुपर 30 की टीम, उसके निर्माता और तमाम मल्टीप्लेक्स थिएटर्स के बिजनेस में शामिल लोग भी होंगे। ऋतिक तो खुद भी टीम इंडिया का सपोर्ट करते नजर आए थे।